न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउ, बजाज ऑटो मूवर्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी। क्रिसमस के मौके पर मैथन डैम में पिकनिक मनाने के दौरान शराब के साथ पाए गए लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। राहुल गांधी के खिलाफ आसनसोल कोर्ट में मामला, उनके हिंदू और हिंदुत्ववादी बयान को लेकर कराया गया मामला। आमी हिंदुत्ववादी हुए एवं आमी निजे हिंदू आमार से राहुल गांधी कथाटा आमी खूब आघात पाई। बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष ने बाबू सुप्रियो पर किया प्रहार, कहा उनके औकात जीरो, बीजेपी ने बनाया था सांसद और मंत्री। किचो ही नहीं, उन्हें जीरो। दुर्गापुर में चलती कार में लगी आग, समय रहते बची जान। पूरे शिल्पांचल में क्रिसमस की दिखी धूम। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को बड़ी संख्या में लोग शौक से पिकनिक मनाने के लिए मैथन डैम पहुंचे थे। मैथन डैम बंगाल और झारखंड की सीमा इलाके में है। मैथन डैम का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। यहां बंगाल और झारखंड के दूर दूर इलाकों से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। शनिवार को यहाँ सुबह से ही लोग कारों से लेकर बसों में आकर पिकनिक मना रहे थे, आनंद उठा रहे थे, लेकिन एकाएक वहां पुलिस की धमक पड़ गई। पहले तो क्रिसमस के मौके पर आनंद उठा रहे लोगों को लगा कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति संभालने आई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने जब पिकनिक मना रहे लोगों के सामानों को छानबीन शुरू करने लगी तो उनके होश उड़ गए। जिन लोगों ने शराब का सेवन नहीं किया था उनके पिकनिक के आनंद में तो कोई खलल नहीं पड़ा, लेकिन जो लोग शराब लेकर आए थे उनके लिए आज का दिन आनंद की जगह मुश्किल में बदल गया, क्योंकि जिन पिकनिक पार्टी के लोग शराब पीते पकड़े गए या फिर जिनके सामानों की जांच में शराब की बोतलें मिली उनकी तो सामत आ गई। ऐसे लोगों को पुलिस ने एक एक कर अपनी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अंतिम खबर मिलने तक कुल 25 लोगों को डैम इलाके से शराब सेवन के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया। मैथन में शराब सेवन रोकने के लिए पहले से नियम कायदे बनाए गए थे। यहाँ शराब के साथ प्लास्टिक डीजे पर बैन लगाया है। पुलिस कर्मी चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कार, मैथन जाने वाले हर गाड़ियों की जांच कर रही थी। पुलिस द्वारा यहां की दुकानों में जांच कर या देखा गया कि कहीं शराब तो नहीं बेचा जा रहा। बहरहाल पुलिस को इस कार्रवाई से पिकनिक पार्टियों में अफरा तफरी भी देखी गई। शनिवार को मैथन डैम इलाके में शराब को लेकर अभियान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सुकांत बनर्जी के नेतृत्व में चलाया गया। पिछले 12 दिसंबर को जयपुर में हुए कांग्रेस के महारैली के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर हमला बोलते हुए हिंदू और हिंदुत्ववादी लेकर बयान दिया था। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। राहुल गांधी, उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उनके इस बयान की पूरी देश में चर्चा हुई थी। बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान की आलोचना की थी, लेकिन आसनसोल जिला कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ उनके हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान को लेकर एक मामला दायर किया गया। इस मामले को कोर्ट ने ग्रहण करते हुए 31 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। राहुल गांधी के खिलाफ मामला वरिष्ठ वकील पीयूष कांति गोस्वामी ने दायर किया है। उन्होंने बताया कि राहुल के बयान से एक हिंदू होने के नाते उन्हें चोट पहुंची है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ मामला किया। तो 19 दिसंबर যুগসংঘ পেপারে আমি পড়ে দেখলাম যে রাহুল গান্ধী লিখেছেন দেশের দুর্দশার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা দায়ী।
হিন্দুত্ববাদীরা মানুষকে ঘৃণা ছড়ায়, হিন্দুরা মানুষকে ভালোবাসে। এই যে হিন্দুত্ব এবং হিন্দু, হিন্দুত্ব এবং হিন্দু, উনি যে পার্থক্য করবার চেষ্টা করেছেন, আমরা হিন্দুত্ব, আমি হিন্দুত্ববাদী হয়ে এবং আমি নিজেও হিন্দু, আমার সেই রাহুল গান্ধীর কথাটা আমি খুব আঘাত পাই, মনে করি যেটা আমার ধর্মীয় ভাবেকে একটা আঘাত করা। আমি সহ্য করতে না পেরে আরও কিছু কাগজপত্র আমি দেখি, আওয়াজ, আনন্দবাজার পত্রিকা, উনি একই কথা লিখেছেন, তখন আমি মনস্থির করে ফেলি যে রাহুল গান্ধী এই প্রতিবাদ করা আমার দরকার, এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আমি আসানসোল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটা মামলা দাখিল করি। लेकिन इधर पीयूष कांति गोस्वामी के मामले को कांग्रेसों ने तवज्जो नहीं दिया। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सचिव प्रसन्नजीत पुटंडी ने कहा कि वकील बाबू लाइमलाइट में आने के लिए यह मामला किया है। ये वकील बाबू करेछेन सम्मानीय व्यक्ति, हमार मन होच्छे ओनार जेनो प्रोफेशन डामाडोल प्रोफेशन चलछे ना, सेई प्रोफेशनके चमकाबार जोन्नो उनि एइसब निये मानुषेर मने आसते चाइछेन। आमि आमादेर जारा वकील बाबू आछेन, एजाज बाबू, मंजूर बाबू, तादेर साथे कथा बोललाम, তাদের সবার বক্তব্য হচ্ছে যে ওনার প্রফেশন ঠিকঠাক চলছে না, ওই প্রফেশনকে চমকাবার জন্য উনি এটা করেছেন। शनिवार को दुर्गापुर में एक चलती हुई कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग के पूरी तरह से पकड़ने से पहले ही कार चालक उसे सड़क किनारे खड़ी करने में कामयाब रहा। समय रहते वह कार से उतर गया, उसके बाद देखते देखते कार आग के लपटों से घिर गई। जब तक कार जलती रही तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग में गाड़ियों का आना जाना कम हो गया। भयानक आग की वजह से कार का ढांचा छोड़कर कुछ नहीं बचा है। Hey bike lovers, your wait is over for Pulsar 250. The grand launching of Pulsar 250 on 26th of December at Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two wheelers. Booking open for both models Pulsar F250 and Pulsar N250. Come and enjoy test ride of your dream new bike Pulsar 250. Bajaj Auto Movers, GT Road Murgasol, Asansol. Contact number 9434744778 and 7719356460. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना, हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं, हम देंगे आपको एक माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड आसनसोल, गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गोराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट।
शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। देश के साथ ही आसनसोल में भी देश के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन श्रद्धा के साथ मनाया गया। शनिवार को आसनसोल बाईपास स्थित बीजेपी के जिला मुख्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। यहां वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर राष्ट्रगीत भी गाए। शनिवार को ही बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा सभी जिलों के नए अध्यक्षों और नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। आसनसोल से बीजेपी के पुराने नेता दिलीप दे को अध्यक्ष बनाया गया, वहीं जिले के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिम बर्धमान के विधायक लखन घरुई को वर्धमान विभाग का संयोजक बनाया गया है। इन दोनों नेताओं को पार्टी द्वारा सम्मानित भी किया गया। दादा, इस मौके पर घरुई ने कहा कि ये दोहरी खुशी की बात है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर हमें नया जिला अध्यक्ष मिला है। अपनारा सकल अवगत आछेन जे भारतवर्षेर प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज जन्मदिन। शुधु प्रधानमंत्री नन, तिनि एकजन कवि, तिनि एकजन राजनीतिविद, भारत रत्न, आर तारा जन्मदिन। सेई उपलक्षे आसानसोल जिला कार्यालये आमरा सकले मिलित होयेछिलाम ताके सम्मानित करार जन्य। आर सेई उपलक्षे खूब सौभाग्यर विषय যে আমাদের এই জেলার সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। আমাদের জেলার নবনির্বাচিত দিলীপ দেমশাই, তার নাম ঘোষণা হয়েছে, আমরা খুব আনন্দিত। বিজেপি কে নয় জেলাধ্যক্ষ দিলীপ দে নে পহলে হি দিন আসানসোল কে পূর্ব সাংসদ আর আব তৃণমূল কে নেতা বাবুল সুপ্রিয় পর প্রহার কিয়া। উনহোনে কাহা কি বাবুল সুপ্রিয় তো জিরো হ্যায়, উনহে তো বিজেপি কার্যকর্তাও নে সাংসদ বানায়া থা, আব তৃণমূল মে উনকি কোই পুছ নেহি হ্যায়। বাবুল সুপ্রিয় সংগঠনে কি বুঝে, ও সংগঠনের লোক না কি গায়ক লোক আছে? বাবুল সুপ্রিয় কে টিকিট পার্টি দিয়েছিল, আমাদের সংগঠন আসানসোল সংগঠন তাকে জিতিয়েছে। আর বাবুল সুপ্রিয় কোনো অবদানই নেই আমাদের এখানে সংগঠনের ব্যাপারে, ওর জন্য আমরা কোনো রকম চিন্তা করি না। আর বাবুল সুপ্রিয়র যদি কোনো কিছু অবদান থাকতো বা কোনো কিছু যদি ওনার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে তৃণমূল ওকে ব্যবহার করছে না কেন? কিছুই নেই, উনি জিরো। आदिवासियों पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा जुल्म किए जाने का आरोप लगाते हुए सीपीआईएमएल पूरे बंगाल में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रही है। इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल के बीएनआर मोड़ के निकट रविंद्र भवन के सामने भी सीपीआईएमएल द्वारा प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान आदिवासियों पर जुल्म ढाने के लिए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बंगाल में बंद हो रहे कल कारखानों के लिए भी तृणमूल को जिम्मेदार बताया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि अब बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम और नहीं होने देंगे। सिंगूर नंदीग्राम की वजह से ही वे बंगाल की सत्ता में आए थे, लेकिन अब वो पार्टी आदिवासियों और किसानों पर अत्याचार कर रही है। 23 तारीख के देवचा पाचामी ते आदिवासी ऊपर अत्याचार करो जे सीपीएम टीएमसी गुंडा बाहिनी एवं पुलिस तारी प्रतिबादे हमरा सर्वत्र राज्य जुड़े এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তারা বলেছিলেন যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম হতে দেব না আমরা, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জন্য তারা ক্ষমতায় এসছেন, তারা আবার এসে কৃষকদেরকে উচ্ছেদ করছে, তারই প্রতিবাদে আমরা এখানে প্রতিবাদ করছি। গোটা রাজ্য জুড়ে হয়েছে, কালকে মৌলালী যুব কেন্দ্র হয়েছে, শিয়ালদাতে হয়েছে, যাদবপুরে হয়েছে, বর্ধমানে হয়েছে, দুর্গাপুরে হয়েছে, আজকে আসানসোলে হচ্ছে, সমস্ত যাত্রা প্রতিবাদ করছি। এরা বলছে যে শিল্প হবে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা রাজ্য সরকার অধীনে যে কারখানাগুলো আছে, হাজার হাজার কারখানা বন্ধ আছে, পাশে ডিপিএল বন্ধ হচ্ছে, কয়লা খনিগুলো যতগুলো আছে আমাদের রাজ্যে সেটা বন্ধ হচ্ছে। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Usagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574827057. बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी।
हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुलटी। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल सिरपांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पिछले साल कोरोना महामारी का ज्यादा प्रभाव था, इसलिए उस समय अन्य त्योहारों की भांति क्रिसमस की रौनक नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब जबकि कोरोना महामारी काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, इसलिए आसनसोल में ईसाइयों द्वारा क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा। हालांकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट को देखते हुए चर्चों में थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। क्रिसमस को लेकर इस बार आसनसोल शहर में नगर निगम द्वारा लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। क्रिसमस के पूर्व संध्या पर शुक्रवार की शाम से ही चर्चों में चहल पहल देखी गई। आसनसोल के सभी चर्चों के साथ ही बनपुर के संत एंथोनी चर्च को क्रिसमस को लेकर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सभी चर्चों में प्रभु यीशु को याद करते हुए विशेष प्रार्थना की गई। बनपुर के संत एंथोनी चर्च में शुक्रवार की रात को हुई विशेष प्रार्थना में ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं शनिवार को क्रिसमस के दिन आसनसोल के कई चर्चों में जाकर आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उनके साथ ही आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने भी शिरकत की। क्रिसमस को लेकर बीएनआर मोड़ स्थित रविन्द्र भवन में बिग लाइफ नामक संस्था द्वारा एक आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री और चेयरपर्सन शामिल हुए। यहाँ दोनों ने मिलकर केक काटकर क्रिसमस का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर मलय घटक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार सभी समुदाय का ख्याल करती है और उनके हित में काम करती है। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রকল্প করে দিয়েছেন, মাতৃ ভাণ্ডার। যারা যারা দরখাস্ত করেছেন সবাই মাসে 1000 টাকা করে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাচ্ছে, বছরে 12,000 টাকা। তিনি প্রকল্প করে দিয়েছেন স্বাস্থ্যসাথী, বছরে 5,00,000 টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচা সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বিনা পয়সায় রেশন দিচ্ছেন, স্কুল বিনা পয়সায় করে দিয়েছেন, এমনকি কন্যাশ্রী প্রকল্পে মেয়েদের পড়াশোনা 18 বছর বয়স হয়ে গেলে 25,000 টাকা এবং সাইকেল বিনা পয়সায় তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে
একশোটা বাড়ির মধ্যে শতকরা ৯৫টা বাড়িতে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকল্প আছে কোনো না কোনো প্রকল্পের সুবিধা তারা পাচ্ছেন। बानपुर के पुराना हाट में शनिवार को एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बानपुर एथलेटिक क्लब द्वारा यह नेत्र जांच शिविर पुरुलिया जिले के मुरड्डी स्थित नेताजी आई हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। अस्पताल के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों ने नेत्र जांच का काम किया। नेताजी आई हॉस्पिटल के प्रमुख राजशेखर चक्रवर्ती की देखरेख में नेत्र जांच का काम किया गया। उन्होंने स्वयं इस शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया। नेत्र जांच कराने के लिए न सिर्फ बानपुर बल्कि शिल्पांचल के दूसरी जगहों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं आए थे। उनका पहले रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद बारी बारी से नेत्र जांच की गई। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद संबंधी दोष पाया गया उनको ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। नेत्र जांच शिविर के संबंध में नेताजी आई हॉस्पिटल के स्पेशल ऑफिसर ऑपरेशन राजशेखर चक्रवर्ती ने बताया। छानी ऑपरेशन कैंप मोतियाबिंद जेटा हिंदी कैटरेक्ट सिलेक्शन कैंप हमारा रामचंद्रपुर नेताजी हॉस्पिटल আমরা এখানে পেশেন্টদের সিলেক্ট করব যারা যাদের ক্যাটারাক্ট আছে তাদের সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে গাড়িতে করে নিয়ে যাব। কালকে অপারেশন হবে, পরশু দিনকে আবার সকালবেলা এখানে পৌঁছে দিই। এখানে আমরা গত চার পাঁচ বছর ধরে ক্যাম্প করছি, মোটামুটি ৫০ জন তো হয়েই যায়, এখনও অলরেডি ১০-১২ জন হয়ে গেছে, আশা করছি ৫০ জনের মতন হয়ে যাবে। बानपुर के पुराना हाट स्थित बानपुर एथलेटिक क्लब द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को इस तरह का नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है। क्लब के सचिव नवेंदु पाल ने बताया कि शिविर में 60 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके आंखों में मोतियाबिंद संबंधी दोष है। इनको शनिवार को ही ऑपरेशन के लिए नेताजी आई हॉस्पिटल ले जाया गया। তো ১০ জন তার মধ্যে সুগার পেশেন্ট ছিল বলে তারা ক্যান্সেল, বাকি আমাদের ৬২ জন আমাদের পেশেন্ট আমরা অপারেশন করতে পাঠিয়েছি। নিউজ প্রহর কে প্রায়োজক হ্যাঁ গুরু গোপীরাম হসপিটাল, অভিনব গিনি হাউ, বাজাজ অটো মুভার্স, মডার্ন ফার্নিচার, সুধা উদ্যোগ, জুয়েলস জুয়েলারি,